नमस्कार दोस्तों, मैं बीना पांडे फिर हाजिर हूँ आप लोगों को एक बहुत ही सरल तरीका जिससे कि आप अपने बागवानी का शौक़ बहुत ही आसानी से बहुत कम खर्चे में पूरा कर सकते हैं ये बताने के लिए। तो देखिए कैसे हम घर की वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कूड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। देखिए ये टायर है, टायर में मैंने पौधे लगाए हैं। अब इससे पहले इसमें मटर की बहुत अच्छे पौधे हो रहे थे, अब एक दो खाड़ चुके हैं, एक पौधा बचा है उसमें भी दो तीन मटर हैं और भी मेरे पास मटर के पौधे हैं। तो अब एक सब्जी मेरे ख्याल से होगी, उसके बाद मैं मटर उखाड़ दूँगी। और ये मैंने कैसे किया, देखिए ये टायर जो है, तो मेरे हस्बैंड टायर बदलवाने के लिए बाजार जा रहे थे गाड़ी की, तो मैंने कहा ये टायर को आप फेंकना मत, ये टायर घर ले आना, ये मुझे चाहिए, मैं इससे अपने प्लांटेशन में यूज़ करूँगी। तो ये टायर मुझे मिला, फिर मैंने इसमें नीचे की ओर जो आटे का कट्टा होता है वो बिछाया है, सीमेंट का कट्टा है, कुछ बिछा सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको उसके ऊपर ईंट के ऊपर सहारा देकर ऊंचा कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा गमला बन गया मेरा, मजबूत गमला। गमले तो कुछ समय में टूट जाते हैं, पर ये बहुत ही मजबूत है, ये टूटता भी नहीं है और बहुत आसानी से इसमें मैं पौधे उगाती हूँ और अपने वेस्ट का इस्तेमाल भी करती हूँ। नीचे की लेयर में मिट्टी भर दिया, बीच की लेयर में वेस्ट भर दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट और जितना भी कूड़ा पत्ते वत्ते मिलते हैं जो गल सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक जो भी गलने वाली चीज़ें हैं वो इसमें डाल दी, ऊपर से फिर मिट्टी भर दी। मिट्टी में थोड़ा सा खाद अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो गोबर खाद डाल दीजिए। पहली बार आपको डालना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम नीचे का गल करके ये फिर दूसरी जो फसल आप इसमें उगाएंगे उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी नीचे का वेस्ट। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो वेस्ट है बीच में भरिए, दबा दबा कर भरिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दबा दबा कर उसे भर दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, तो मिट्टी उसको गला देती है। जब तक वो गलता नहीं है तब तक ऊपर की मिट्टी से न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं पौधे को, और जब पौधा बड़ा होता है उसकी जड़ें नीचे जाती हैं तब तक नीचे का वेस्ट गल चुका होता है और वो उसे खाद दे देता है। तो ये छोटे छोटे गमलों में तो आप इस तरह से खाद बना सकती हैं। और ये देखिए मैंने ग्रो बैग जो है उससे बाजार से लिए थे पहले, फिर मैंने अपने घर में आटे के कट्टे से भी ग्रो बैग बनाए हैं। और ये ग्रो बैग है, देखिए ये सीमेंट का कट्टा है उससे ग्रो बैग बना है, तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और बाजार से लिए हुए जो ग्रो बैग्स हैं मेरे, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, 40 ग्रो बैग्स मैंने मंगाए थे, ये ट्रस्ट बास्केट के हैं, और इनमें भी बहुत अच्छी मेरे पौधे हो रही हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो इससे थोड़ा सा आप नए अगर शौक़ वाले हैं तो आप शुरू में घर के ही पॉलीथीन में आप करिए, क्योंकि आप अपना शौक़ अभी शुरू कर रहे हैं, जब उसमें सक्सेसफुल आप हो जाएंगे फिर आप चाहे तो गमले मंगाइए, चाहे तो आप ग्रो बैग्स मंगाइए। अब दूसरा देखिए, बड़े स्तर पर मैं जब खाद बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पौधे हैं नीचे मेरे ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में और ये ऊपर, तो ये मैंने क्या किया, देखिए हमारे घर में टंकी ख़राब हो गई तो उस लीक करने लगी थी, तो उसको मैंने दो पीस में कट कराया, उसको कूड़े में फेंकने वाले थे, मतलब कबाड़ी को देना चाह रहे थे मेरे हस्बैंड, मैंने कहा इसको यूज़ करते हैं, इसके दो पीस कर लिए मैंने, आधा ये इसमें मैं अभी खाद बना रही हूँ, आधा खाली पड़ा है, देखिए ये खाली पड़ा है, जब ये भर जाएगा फिर मैं इसमें खाद बनाऊँगी। ये दूसरा वाला पीस ये है, दोनों पीस मैंने यूज़ कर रखे हैं, अभी मैंने उसको ऐसे ही रखा है क्योंकि इतना मेरे पास कूड़ा है नहीं, कूड़ा लोगों के पास कूड़ा कहाँ फेंके होती है, मुझे कूड़ा कहाँ से मिले होती है, मुझे चाहिए कूड़ा, तो कूड़ा जितना मिलता है मैं इसमें डाल रही हूँ, उसके ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ, नीचे से मिट्टी है ऊपर बीच में कूड़ा है, फिर मिट्टी डाल दूँगी और ये भर जाएगा तो इसके ऊपर 4-5 कट्टे मिट्टी से इसको ढक दूँगी। अभी भरा नहीं है क्योंकि कूड़ा ही नहीं है मेरे पास, अभी ये जब पुरानी पौध ख़त्म होंगी तो इसमें सब डाल दूँगी मैं, तो उससे फिर। और ऐसे नीचे मैंने सीमेंटेड बनाए हैं बॉक्स, वो भी दिखाऊंगी मैं अगली बार आपको। तो इस तरह से आप भी अपने घर में यूज़ कर सकती हैं और गार्डन बना सकती हैं, अपने शौक़ को एक बार करके देखिए, बाद में वो शौक़ पैसन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्रो बैग के अंदर मूली हो रही है। तो आज इतना ही, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।